हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूं अभी जयपुर के जंतर मंतर के यहाँ और आपको दिखाने वाला हूं जंतर मंतर का पूरा व्यू। तो जो चैनल के साथ नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कीजिए भाई को और सपोर्ट कीजिए। और मैं दिखाता हूँ आपको जंतर मंतर का। सो टिकट ले लेते हैं जंतर मंतर का। इन्होंने टिकट काउंटर म्यूजियम का अलग है और जंतर मंतर का अलग है, पूरा अलग अलग बना रखा है टिकट काउंटर पूरा। और इधर से टिकट ले लेते हैं एक दफ़ा, फिर उसके बाद में चलते हैं जंतर मंतर के अंदर। और बाहर जो है वो कुछ इस तरीके की भीड़ लगी हुई है, जो कि एक थोड़ा सा चलने का रास्ता भी है बाहर निकलने का, अंदर आने का। और टिकट काउंटर्स भी इधर ही है, थोड़ी सी रश आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर। सो जंतर मंतर का टिकट ले लिया है हमने, और जो टिकट कॉस्ट जो पड़ा है वो है 52 रुपीज़ 52 रुपये पर पर्सन। और स्टूडेंट हो, आई कार्ड है तो उस पर और भी डिस्काउंट है, बेनिफिट है। अगर स्टूडेंट हो आप और आई कार्ड है आपके पास में स्टूडेंट प्लस में, तो यहाँ पे चेक करवाते हैं टिकट और चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे ये टिकट चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनको टिकट दिखा करके और फिर चलते हैं अंदर की तरफ। तो इन्होंने कर लिया है यहाँ पे टिकट चेक और पंच किया टिकट को। तो चलिए, ये है जंतर मंतर जो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक नया ब्लॉग जो कि काफ़ी टाइम बाद में आ रहा है। सो ये है जंतर मंतर, और इधर का जो है कुछ दृश्य है, नज़ारा वो कुछ इस तरीके का है। तो जो भी बोर्ड्स आएंगे, साइन आएंगे, मैं आपको पढ़ करके और या स्टॉप करके आपको दिखा दूंगा, या तो आप खुद पढ़ ले। तो यहाँ भी काफ़ी टूरिस्ट है अभी। सो ये वाला वीडियो है जंतर मंतर जयपुर राजस्थान, और आप टूरिस्ट देख सकते हैं, लोग आए हुए हैं अभी। और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये है नाड़ी वाले दक्षिशा ग्रिल, कुछ ऐसा टाइप कुछ कुछ है। ये आप पढ़ सकते हैं पूरा प्रॉपर। और ये जो स्तंभ है, ये है ध्रुव दर्शक पत्रिका, जो है सामने है, आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में है इधर की साइड में, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए। मैं आपको हिंदी का ही दिखा देता हूँ पूरा प्रॉपर। और ये अलग अलग चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बना रखी है पूरा प्रॉपर। ये कुछ टाइमिंग को कैलकुलेशन करने के लिए हैं, जो गाइड उन्हें बता रहे हैं सामने। लोग पहले के जो लोग होते थे वो इन्हीं सारी चीज़ों को देख करके टाइम का एक अनुमान लगाते थे कि क्या टाइम हो रहा है। जैसे जैसे इसमें सूरज की रोशनी पड़ती थी, शेडो जो पड़ती थी, उसके अकॉर्डिंग ही पहले के लोग जो थे वो टाइमिंग का पता लगाते थे कि क्या टाइम हो रहा है अभी के समय। जैसे कि वो गाइड जो है वो समझा रहे हैं इनको, और मैं सुन रहा हूँ यहाँ पे, और मैं आपको बता रहा हूँ इधर, ट्रांसलेट कर रहा हूँ आप लोगों को। वो जो है इधर भी लिखा हुआ है, ये पूरा कैलकुलेशन ऑफ टाइम विद स्मॉल सन डायल, इस धूप घड़ी का समय स्थानीय समय होगा। इस बोर्ड पर लिखे अंतर मिनट जोड़ने पर भारतीय मानक समय आ जाएगा। तो इसको जोड़ने पे जो इंडियन टाइम होगा वो आपको वो पता चल जाएगा। कब जोड़ोगे? जब ये धूप जो है, ये धूप की जो शेडो पड़ेगी, तब आपको इसको पता चल सकता है कि इंडियन टाइम क्या हो रहा है। ये लघु सम्राट यंत्र है, ये वाला सामने जो आप देख रहे हैं, लघु सम्राट यंत्र कुछ इस तरीके का है।
पीछे का व्यू जो है वो कुछ इस तरीके का है। तो चलिए चलते हैं इसके दूसरे भाग की तरफ, दूसरे साइड की तरफ, और दिखाता हूँ आपको वहाँ का पूरा सीन। चैनल के साथ जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिन्होंने शेयर नहीं किया शेयर कर दे। और अभी आ गया हूँ इसकी दूसरी साइड में, वो दिखाता हूँ आपको यहाँ का पूरा। ये है चक्र यंत्र, ये है चक्र यंत्र पूरा, जो कि आप इसको पढ़ ले एक दफ़ा, किस धातु का बना है ये पूरा प्रॉपर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप स्क्रीन शॉट लेकर के इसको पढ़ लें। और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ये चक्र यंत्र है, इस तरीके का है। एक चक्र यंत्र ये है। सो एक चक्र यंत्र ये वाला है जो आप देखेंगे, ये पूरा कुछ इस टाइप का लग रहा है जैसे कि हॉलीवुड की मूवीज़ में कई में दिखाते हैं ना, पूरा अंदर बैठ करके पूरा वो जादू टोना करने वाला सीन पूरा। और ये है सामने चक्र यंत्र, जंतर मंत्र के अंदर आप देख रहे हैं अभी जंतर मंत्र की वीडियो। ये है कुछ नया स्तंभ, जो कि इसको दिखाता हूँ आपको इसके पास जाके। ये है रामा यंत्र, जो पूरा सर्किल्स में बटा हुआ है, और इसके अंदर चलते हैं। 12 बजे आया था इसके अंदर का जो है वो कुछ व्यू जो है वो कुछ इस तरीके का है। 270 लिखा हुआ देखें वहाँ पर। ये भी पूरा जो है सूरज की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही चलता है पूरा प्रॉपर। ये सारे जो इधर जंतर मंतर के अंदर जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं, ये सब सूरज के अकॉर्डिंग जो टाइमिंग देखने के ऊपर जो था, ये पूरा जो चक्र है ये सूरज के अकॉर्डिंग ही पूरा इनकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग था। ऊपर जो है नंबरिंग मार्क की हुई है इन्होंने, सूरज कितने बजे कहाँ पे आएगा कितने बजे, उस हिसाब से ये टाइमिंग लगाते थे। ये कितने स्तंभ लगा रखे इन्होंने, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो ये 12 है, 12 इन्होंने ये चक्र लगा रखे हैं बीच में। तो 12 घंटों के अकॉर्डिंग जब सूरज जिस पे पड़ता था उस टाइम पे, तो ये आइडिया लगाते थे कि अभी ये टाइम हो रहा है। तो ये पूरा सीन जो है वो कुछ कुछ इस तरीके का है। तो चलते हैं चलो यहाँ से दूसरी तरफ और दिखाता हूँ आपको दूसरी कोई चीज़। यार ये जो कैलकुलेशन जो थी उन लोगों की, पहले ही वाले लोगों की, ये बड़ी कमाल की थी, क्योंकि ये एक धूप से ही एक आइडिया लगा लेते थे कि धूप कहाँ पड़ रही है और क्या टाइम होगा। आज की जनरेशन तो नहीं है। ये है पूरा इस यंत्र का डेटा, जो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, ये बता देगा आपको पूरा प्रॉपर। और चलते हैं इसके सामने की तरफ, ये जो आप देख रहे हैं इधर, इधर चल के देख लेते हैं इधर क्या है, इधर कौन सा यंत्र है। ये आप व्यू देखिए पहले, तो सबसे पहले व्यू देखिए, व्यू कितना प्यारा लग रहा है। वो ये अलग अलग इन्होंने यंत्र बनाए हुए हैं, जो आप मेरे सामने देख रहे हैं वो है सेगिटर्स धनु। और इन सब का जो मतलब है वो सबका अलग अलग है, मैं आपको इनकी जो भी लाइक ये स्टेट्स बना रखी है, लेकिन ये चढ़ना बना है। और वो ये भी पूरा टाइमिंग का ही सीन है, टाइमिंग से रिलेटेड है, धूप से रिलेटेड है, और पूरा चांद से रिलेटेड है। ये चांद को देख करके भी पहले के लोग वो कुछ ऐसे ही पता लगा लेते थे कि क्या चल रहा है अभी। जैसे आता है ना चांद के अकॉर्डिंग भी अलग अलग चीज़ें आती है, अलग अलग मंथ जो थे वो पहले चांद के अकॉर्डिंग ही लगाया जाता था पहले के टाइम। तो ये लियो है, जैसे राशि नहीं होती, ये राशियों के ऊपर बना हुआ है पूरा, ये पूरा राशि वाला सीन है पूरा प्रॉपर। यार इतना दिमाग था इन लोगों में पहले, है ना, तभी तो इन लोगों ने इतने टाइम राज किया है। और ये है, ये कन्या राशि है, ये सारी राशियों से रिलेटेड है। जो राजा महाराजा जो लोग थे पहले प्रॉपर, वो इन सारी चीज़ों को ज़्यादा इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड थे लोग, इन्हीं चीज़ों के से चलते थे, जो भी लाइफ में कोई भी काम करना हो या जो भी आगे
उनको काम करना होता था, वो इन्हीं सारी चीज़ों से चलते थे वो आगे प्रॉपर। और ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे जंतर मंतर का पूरा व्यू। और यहाँ पे जो आपने देखा सब लोग, मतलब जितने भी ये यंत्र लगे हुए हैं मेरे पीछे, तो ये लोग जो थे ना, ये सूरज की परछाई जहाँ पे पड़ती थी पहले, कि सूरज की रोशनी कहाँ पड़ रही है, उसकी शेडो कहाँ आ रही है, उसके अकॉर्डिंग ये टाइमिंग का पता लगा लेते थे कि क्या टाइमिंग हो रहा होगा। और रात की जो चांद का जो शेडो आता है उससे भी कुछ ना कुछ ये पता करते थे। और चांद का जैसे कि मुस्लिम्स में भी होता है, इस्लामिक मंथ होते हैं वो भी चांद के अकॉर्डिंग होते हैं, हिंदू के अंदर भी होते हैं, जो हिंदू रिलीजन है उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें होती हैं, कि सूरत से भी ये लोग देखते हैं और चांद से भी देखते होंगे, मुझे इतना आइडिया नहीं है। सो इन यंत्रों के थ्रू ये लोग यही काम करते थे। और मैं आपको ओवरऑल व्यू दिखा देता हूँ यहाँ का। आप देख रहे हैं अभी जंतर मंतर जयपुर राजस्थान, और आप मेरे सामने यहाँ से देखेंगे तो इस जगह से, ये पूरा जो है पहाड़ियों के बीच में ही बना हुआ है, इस जगह से आमेर का जो महल है ऊपर, जयगढ़ है, जयगढ़ पैलेस है, ये नाहरगढ़ पैलेस है जो कि ऊपर से दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं दूसरी तरफ और दिखा देता हूँ आपको दूसरी तरफ का व्यू जाके, कि दूसरी तरफ क्या है और क्या नहीं। ये है जैमिनी मिथुन राशि, और ये पूरा जो है वो राशियों से ही रिलेटेड है, जो तर्कस जो स्तंभ जो बना रखे हैं इन्होंने, ये राशियों से ही रिलेटेड है पूरा प्रॉपर। और इधर साइड में क्या इन्होंने बनाया हुआ है तो इधर भी चल के देख लेते हैं। बाकी जो ये कलर है और ये लाइक जो यहाँ का व्यू है ना, वो काफ़ी प्यारा आ रहा है कैमरे में भी, और जो रियल देख रहा हूँ रियल आँखों से भी। तो यहाँ पे टूरिस्ट हैं, यहाँ पे भी लोग हैं, और जो यहाँ का जो व्यू है लेफ्ट हैंड साइड का वो कुछ इस तरीके का है। ये जो आप देखेंगे पीछे पूरा जो प्रॉपर व्यू है वो कुछ इस तरीके का है। और ये सारे जितने भी स्तंभ बने हुए हैं ये काफ़ी पुराने समय के हैं, इन सबको 200, 300, 300, 400 साल हो चुकी है मोस्टली बने हुए। जयपुर को बसे हुए 100 साल से ज़्यादा हो चुका है वैसे, और अभी उससे पहले का ये सारा जो प्रॉपर सीन है। सो इस साइड के अंदर इन्होंने अपना ये एक लॉन बना रखा है, और ये जो जितने भी स्तंभ हैं इधर आके एंड हो जाते हैं इसके। तो हम आए थे इस साइड से, तो चलिए इस साइड से चलते हैं। और ये लोग नीचे भी उतरे हुए हैं, और इधर की तरफ देख लेते हैं कि इधर की तरफ क्या है। अभी मैंने कि वापस रिपीट कर रहा हूँ, जयपुर में रश बहुत ज़्यादा है टूरिस्ट का, जो कि बाहर के भी टूरिस्ट है, इंडियंस भी है, और आउट ऑफ फॉरनर्स भी है, आउट ऑफ इंडिया वाले भी हैं। और ये जो इस तरीके का है व्यू यहाँ पे, ये यहाँ पे इन्होंने खिड़कियाँ लगाई हुई है, जालियाँ छोड़ी हुई है बड़ी बड़ी। तो चलते हैं यहाँ से बाहर अब, और बाहर की तरफ देख लेते हैं कि बाहर का क्या सीन है प्रॉपर, और बाहर की तरफ से और क्या चीज़ देखने लायक है वो भी देख लेते हैं।
यहाँ का जो ओवरऑल व्यू है ना, आप देखिए आप चारों तरफ का जो व्यू है, जो नज़ारा है चारों तरफ का, वो कितना प्यारा है। ग्रीनरी है चारों तरफ में, और इधर ये कुछ लाइक स्टम्प्स जो है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वीडियो के अंदर, वो कुछ इस तरीके का है। और जो रश है अभी आगे, चलो देखते हैं आगे क्या मैटर हो गया। सो मैटर नहीं हुआ यार, वो गाइड है जो टूर आया हुआ है पूरा, उनको गाइड कर रहे हैं, और ये पूरा ही एक टूर है। मैं देखा कोई मैटर हो गया पूरा, तो ये गाइड समझा रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से है। और यहाँ का जो सीन है ना, वो देख लेते हैं एक बार, जो मैंने आपको ये पहले दिखाया। ओहो, ये कौन सा यंत्र है यार, ये क्या है? इसका नाम है जया प्रकाश यंत्र। और जो इसका जो बोर्ड है, इसकी जो प्लेट है, इसकी डिटेल्स के साथ में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लें इसका। और ये देखिए, ये इसका बोर्ड है, इसको रिपेयर्ड 1901 एडी में किया गया था। तो आप पूरा पढ़ लें इसको प्रॉपर। और एक यंत्र है इसका, ये तो दोनों ही सेम है, और दोनों की जो हिस्ट्री है वो सेम है। और इधर देखेंगे आप पूरा गाइड भाई समझाते हुए। अभी हर जगह आप देखेंगे, हर जगह टूरिस्ट आए हुए हैं, और हर जगह ही लोग रुचि रखते हैं, लोग इंटरेस्ट रखते हैं इन सारी चीज़ों के अंदर। जो पुरानी हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को जानने में लोग इंटरेस्ट रखते हैं। और मुझे भी हिस्ट्री की लाइक बुक हुई या और कोई चीज़ हुई हिस्ट्री से रिलेटेड, गुड हिस्ट्री है ना, उसको पढ़ने में और समझने में मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी मज़ा आता है। और ये था जयपुर का इतिहास, जो कि मैंने आपको पहले राजा महाराजाओं का जो फ़ोटो दिखाया वो सब, और जो जंतर मंतर जो जयपुर जो बसाया हुआ है वो है राजा सवाई जय सिंह का। जयपुर जो बसाया हुआ है वो राजा सवाई जय सिंह का बसाया हुआ है, ये पूरा प्रॉपर जयपुर। और जयपुर की जो मार्केट की जो वीडियो है वो मेरी, आपको आप देखेंगे नीचे जाके और वीडियो के अंदर मिल जाएगी। जल महल है, हवा महल है, नाहरगढ़, जयगढ़, सारे आपको पूरा जौहरी बाज़ार वगैरह, पूरा प्रॉपर जयपुर का व्यू पूरा दिख जाएगा वहाँ पे। आप देखेंगे मेरी पूरी वीडियोस को तो वहाँ पे पूरी वीडियोस दिख जाएगी। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। और चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट कर लो। जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो फटाफट, और वीडियो को शेयर कर दो, सपोर्ट करो ऐसे ही और वीडियो के लिए। जल्द ही मैं आपको इस चैनल पे इंटरनेशनल वीडियो दिखाने वाला हूँ। ये आप देख रहे हैं अभी जयपुर राजस्थान जंतर मंतर की वीडियो। तो इस व्लॉग को रखते हैं यहीं तक, और चलते हैं यहाँ से बाहर। एक्सिट इधर ही है, ओके। तो इसका एग्जिट जो है वो एक्सिट दूसरी साइड है, तो एक्सिट की तरफ चलते हैं। मैं एंट्री साइड ही आ गया बात करते करते, और जो एक्सिट है वो सामने की तरफ है। तो इस वीडियो को करेंगे अपन यहीं पे एंड। आपने देखा अभी जयपुर का जंतर मंतर। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियो के लिए। मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रॉपर और वीडियोस। जल्द ही अपनी इंटरनेशनल ट्रिप होने वाली है, जब तक आप अपना प्यार नहीं दिखाएंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, चैनल को शेयर नहीं करोगे सबके सामने, तब तक तो मैं कैसे जाऊं फिर इंटरनेशनल ट्रिप लगाने। लेकिन जल्द ही अगर आप लोगों ने प्यार दिखाया, सपोर्ट दिखाया, तो मैं आप लोगों को जल्द ही इंटरनेशनल ट्रिप पर लेके जाने वाला हूं यहां से। तो चलिए चलते हैं फाइनली बाहर की तरफ, और रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक। सो आपने देखा अभी जंतर मंतर और म्यूजियम का वीडियो।